नाई तशरीफ़ लाए थे और हमारी ये कोशिश है कि सारी लाहौर की रेलवे कॉलोनियों को कराची इसको मीटर लगा दिए जाएं और ये मुफ्त की बिजली जो उक्स उक में दी जाती है वो मीटरिंग के साथ हो। इंशाल्लाह ताला 30 दिसंबर तक सारी रेलवे जो 160-170 कितनी कॉलोनियाँ सब में बिजली के मीटर लग जाएंगे। इससे रेलवे को भी फ़ायदा होगा और रेलवे के मज़दूरों को भी, लॉस्ट लाइन जो है पुराने ट्रांसमिशन लगी हुई है पुरानी लाइनें वो ठीक हो जाएंगी। हमने कोयला, खाद, बिजली, सीमेंट और दीगर अजनास की ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि HSD के रेट कम हो गए हैं, 10% कमी का फैसला किया आज। और फी वैगन कंटेनर की जो है, वैगन की मैं बात कर रहा हूँ, वो 5,000 रुपये कमी का फैसला किया है, जो आज रात 12 बजे से इसका इत्तलाक होगा जी किरायों में। और लेस्को इंशाल्लाह अनकरीब सारी लाहौर की जो बिजली है उसको मीटरिंग पे कर देगा, उसमें मीटर लग जाएंगे। हमारी पूरी ख्वाहिश थी और हमारी तैयारी थी कि 10 मई को हम ट्रेन चलाएं और 30 ट्रेनें चलाएं, 15 अप और 15 डाउन, या 32 मेरा ख्याल है, 16 अप या 16 डाउन। लेकिन हम नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में भी लेके गए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने राबता कौंसिल में भी बुलाया हुआ था, लेकिन सूबों ने हमारा साथ नहीं दिया और मरकज़ की तरफ से हमें पूरी हमायत हासिल थी, लेकिन 10 मई की ट्रेन चलाने में सूबे ऑन बोर्ड नहीं थे, चंद सूबे ऑन बोर्ड नहीं थे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 2-3 दिन के बाद अपना केस फिर रिव्यू के लिए ले जाएं। लोगों को बड़ी दिक्कत है, लोग तकलीफ़ में हैं, और अगर आप कारखाने खोल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं खोल रहे, तो ऐसे कारखानों की सलाहियतें जो हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ना खुले तो मुतासर होती हैं। हमारा 5 अरब रुपया पर महीने का नुकसान हो रहा है। हम 72 से 77 हज़ार मुलाज़मीन हैं और 2 लाख पेंशनर हैं। हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है इन लोगों की सैलरी देने का। सो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम अपने केस को ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। कम से कम 30 ट्रेनें, 142 हमारी ट्रेनें रोज़ चलती थी, लेकिन 30 ट्रेनों से ईद से पहले इसका इजरा करेंगे। अब सियासी तौर पर ये जो 429 लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब, इसको इमरान खान ने रोका है और कैबिनेट ने रोका है। लोग ऐसी तजावीज़ें ले आते हैं और इसके पीछे साजिशी हाथ होते हैं, लेकिन खुली आँखों के साथ और पुरमग़ज़ फ़ैसलों के साथ इंडियन इम्पोर्टेड 429 दवाइयों को रोका गया और इसका क्रेडिट भी जो है वो कैबिनेट को जाता है। बाकी शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। और टारजन की वापसी हो के रहेगी, टारजन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। और टारजन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है, सरकारी और गैर सरकारी सारे केसेस को वो देखेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि कोरोना के बाद मैं वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ देख रहा हूँ। चीन अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है हवान के, और अमेरिका हवान से चीन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और ये इल्ज़ाम बड़े सीरियस होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान इस जुग्राफिये का बहुत अहम मुल्क है, बल्कि सबसे अहम मुल्क है। सो उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने जा रही हैं और ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई शरारत कर सकता है, जिस तरह वो कश्मीर में उसने दोबारा आग लगाना शुरू की है और जिस तरह वो कश्मीर में ये सारे मामलात कर रहा है, और जिस तरह UP CP बंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे उसने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है, इसी तरह कश्मीर की हालात जो हैं
वो पाकिस्तान इंडिया में किसी छोटे बड़े तसादम का बायस बन सकते हैं। और जो मोदी का ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उसकी भूल है। और आज दुनिया में पाकिस्तान की जुग्राफियाई पॉलिसी और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम की वजह से ज़्यादा उसको पज़ीराई है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जो लास्ट बात है कि जिस दिन शुगर मिलों की फ्रेंजिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेगा। और ये जो प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान की कमिटमेंट है कौम के साथ कि किसी ज़खीरा अंदोजी को अंदोज को नहीं छोड़ूंगा। 5 मिनट अब क्वेश्चन आवर्स जो मेरा। IPPs का मामला भी अंडर कंसिड्रेशन है, अभी उसका वो जज नहीं लगा कि उस कमीशन का इंचार्ज कौन बनेगा, लेकिन IPP इतनी जल्दी होने नहीं जाएगी, क्योंकि 90 दिन का तो वो कमीशन है, अभी उसमें जज बनना है, जज का लगना है, सो 5-6 महीने का वो प्रोसेस है। सब आप कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, अगर पैसे मौजूद नहीं आता कि हमारे टैक्स है, जो ट्रांसफर कंपनी है, ये हमारे पर लाई गई है, तो फिर आप इन्हें बंद क्यों नहीं करते हो? दो कंपनियां बंद कर दी हैं, आस्ता आस्ता हमें समझ है कब बंद करनी है। हमने 2 रेलवे की कंपनियां बंद कर दी, और ये भी ज़रूरत पड़ी तो बंद कर देंगे। रेलवे अफसर ने जब यहाँ जाके रेस्ट करना हो, यहाँ नौकरी, यहाँ सीट अवेलेबल ना हो, तो प्रैक्स में और रेलकाप में जाता है। हमने 2 कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी बंद कर दी हैं, अगर ज़रूरत पेश आई तो ये भी 2 बंद कर देंगे, अभी फैसला नहीं किया। शेख साहब, रेलवे में ट्रेन ऑपरेशन बंद है, लेकिन हादसा की शरह में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे आज हमने तफसीली बात की है, और आज मैंने CEO को कहा कि सख्त एक्शन लें, ड्राइवर और कांटे वाले को हम पकड़ लेते हैं और अफसर को नहीं पकड़ते। आज हमने तफसीली बात की है और अब नहीं छोड़ेंगे किसी को, इनफ इज़ इनफ। ये ट्रैक जो रेल गाड़ियाँ हमारी जो है, फ्रेट वैगन जो है, डीरेल हुई हैं, ये हुई हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, शेख साहब ने बताया कि 15 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई सिंध के अंदर, और एक वजीर पीपल्स पार्टी का उसमें शामिल बताया जाता है, तो क्या हो रहा है? देखें, अभी तो कोरोना वायरस और ईद के दिन है, अब 10-15 दिन रह गए हैं। मैं बड़े पैमाने पर नैब को टारजन बनते हुए देख रहा हूँ, और अगर अब भी नैब टारजन नहीं बनेगा तो फिर नैब अपनी अहमियत खो जाएगा, और मैं टारजन बनते हुए उसको देख रहा हूँ, और दोनों तरफ से लोगों को उसकी जद में आते हुए देख रहा हूँ। लास्ट 3 क्वेश्चन, हमारी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 मिनट के सवाल बस। मेरा नहीं ख्याल चौधरी हमारे भाई हैं, कोई मसला होगा, अभी मैं किस दिन सोच रहा हूँ चौधरियों के जाने। जो इन्वायरमेंट पॉलिसी वाले बहुत सारे बच्चे हैं, कह दिया ना आपको कि भाई नहीं कुछ होता, अब आपने मीडिया में जरूर सवाल करना है। शेख साहब, हालिया ही FIA का जो शुगर इन्वायरमेंट वाली कमीशन है, उसने शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब किया है, और उसी कमीशन ने जो शुगर मिले गन्ने की काट छाट की मद में 5% तक कटौती कर दी थी, उसने समीउल्ला चौधरी, मियां असलम इकबाल और मोहसिन लखवानी का नाम आ रहा है, लेकिन उनको तलब नहीं किया। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी तो खुद अपनी फरमाइश पर गए हैं, जैसे मैं LNG के केस में जाऊंगा वक्त आने पर, वो और खुर्रम दस्तगीर बतौर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन या मालूमात मुहैया करने गए हैं, और मैं तोके रखता हूं कि वो 22-25 अरब रुपए की वो मालूमात भी नैब को देंगे जो नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ की औलाद ने पिछले दौरों में ली है। ये तो 3 अरब रुपए की कुल सब्सिडी है, और वो जो 22 से 25 अरब रुपए की सब्सिडी हुई है, मुझे उम्मीद है उस पर भी वो ध्यान देंगे। जी जैसा वो बताया कि नैब में 3 मुख्तलिफ जो है बड़े मुतारक हैं, जो आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने कामदार लंदन में बोल रहे हैं। देखें, मैं पिंडी में रहता हूँ, कभी ये नहीं मैंने कहा कि नैब में मेरे मुक्कल हैं, मैंने कहा कि 2 मुक्कल मेरे हैं जिनकी बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक दोनों तरफ नज़र होती है, मैंने ये नहीं कहा कि। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आपको भी बढ़ सकते।
और न्याजी में गठजोड़ किया हुआ है इस तरीके घर चले जाए, क्योंकि ये बी आर टी का मनसूबा हो या कोई और मनसूबा उस पर नैब को नजर नहीं आता, लेकिन नैब एक ही जमात को काबिल कर रहा है। देखिए जब टारगेट के केस ही उन्हीं के हैं और जैसे जैसे केस आएंगे सारे लोग टारगेट होंगे, मैं आपको जो कह रहा हूं कि सरकार भी टारगेट हो सकती है, सरकार के लोग ईद के बाद, तो आप ज़रा इंतज़ार करें। अभी तो इस हुकूमत को 2 साल नहीं हुए, ये केस तो 12-12, 14-14 साल के निकल रहे हैं। भट साहब लास्ट क्वेश्चन। चौहान साहब आप जेल